रिक्शा चालकों के चार हथियारे गिरफ्तार। मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र में पिछले दिनों हुई ई रिक्शा चालक की हत्या प्रकरण में आज पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कुछ सामान भी बरामद किया है। बिलारी पुलिस ने आज एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो ई रिक्शा चालकों को अपना निशाना बनाकर पहले लूटपाट करता था और फिर उसकी हत्या कर देता था। विदित हो 25 दिसंबर को बिलारी क्षेत्र में एक व्यक्ति की बॉडी बरामद हुई थी जिसका किसी भारी चीज से मुंह कुचल कर हत्या कर दी थी, जिसकी पहचान संभल जनपद निवासी शिव शंकर के रूप में हो गई थी। उक्त व्यक्ति ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पकड़े गए आरोपियों ने उसका रिक्शा लूट कर उसकी हत्या कर दी थी। एसपी देहात ने आज इस गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि इन्होंने थाना मझोला क्षेत्र में भी एक ई रिक्शा चालक की लूट के बाद मर्डर कर दिया था। गैंग का सरगना भी अपने 3 साथियों के साथ पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार इस गैंग का सरगना संभल का रहने वाला हरदेश है, वही इस गैंग को लीड करता आ रहा है। से इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है और एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया इनसे पूछताछ के दौरान। ये एक टैबलेट का सेवन करते हैं जिसका नाम इटियॉन 2mg बोला जाता है, जिसको अल्प मात्रा में खाने से एंग्जाइटी होती है काफ़ी ज़्यादा, और जो सेवन करने वाला अभियुक्त है वो उससे अत्यंत ही अग्रेसिव रूप में होकर क्रूर प्रहार अपने जो पीड़ित है उस पर करता है। यदि उस टैबलेट को अत्यधिक मात्रा में खिला दी जाए तो सामने वाला जो भी उसको लेने वाला है वो बेहोशी की हालत में आ जाता है और अगले 12-14 घंटे तक वो बेहोशी की हालत में ही पड़ा रहता है। उस टैबलेट की का ये इनके द्वारा सेवन किया जाता है। शराब में मिलाकर उक्त टैबलेट को पीड़ित को पिलाया गया और स्वयं भी साथ में शराब पी, लेकिन सावधानी से उस टैबलेट को पीड़ित की शराब में मिला दिया गया, जिसके आधार पर इन्होंने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया।